वेलकम टू अनुप्रिया क्रिएशंस। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ पटेटो का पिकल, जो बहुत ही स्वादिष्ट स्नैक के जैसे भी खा सकते हैं या आप ऐसे सब्जी के तरह भी खा सकते हैं। इसे पटेटो पिकल इसे कहते हैं क्योंकि इसे हम लोग बहुत दिनों तक रख सकते हैं और ट्रैवलिंग के टाइम भी उसे लेके जा सकते हैं। अभी हमारा फेस्टिवल सीजन चालू है तो उसमें हमें बहुत कम वक्त मिलता है रसोई बनाने के लिए, क्योंकि हमें दिवाली का बाकी का नाश्ता भी बनाना पड़ता है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी पटेटो पिकल, जो आप कभी भी खा सकते हैं। तो चलो देखते हैं इसे क्या क्या लगने वाला है। पटेटो पिकल्स बनाने के लिए हमें लगने वाला है यहाँ पे 3 पटेटोस, मैंने इसे छिल के और धो के कट करके रखा है। 1 टेबल स्पून हमें लगेगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 टेबल स्पून हमें लगेगा लाल मिर्च पाउडर, आप इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून हमें लगेगा धनिया और जीरे का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। 1 टी स्पून हमें लगेगा हल्दी, राई 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून ड्राई कोकोनट लगेगा यानी सूखा नारियल, धनिया बारीक कटा हुआ 1 टेबल स्पून हमें लगेगा, सफ़ेद तिल और 1 टी स्पून हमें लगेगा मेथी के दाने, और हमें लगेगा तेल तलने के लिए। तो सबसे पहले हमें लगेगा एक पैन, उसमें हम लोग डाल देंगे राई और उसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। जैसे ही राई हो जाती है हम लोग इसे निकाल लेंगे एक ग्राइंडर में। उसी पैन में हम लोग डाल देंगे सफ़ेद तिल। इस मिक्सचर को आप ज़्यादा बना के भी रख सकते हैं ताकि आप आगे जाके भी उसका यूज़ कर सकें। राई जल्दी हो जाता है तो उसे फटाक से निकाल लेंगे। इसी पैन में हम लोग थोड़ा सा डाल देंगे मेथी के दाने। मेथी ज़्यादा नहीं डालनी है, नहीं तो आपका कड़वापन आ सकता है उसमें। मेथी भी रोस्ट होने के बाद उसे भी निकाल के हम लोग ड्राई ग्राइंडर में डाल के उसका पाउडर बना लेंगे। अब हम लोग डाल देंगे सूखा नारियल। सूखा नारियल भी हल्का सा रोस्ट हो गया है, थोड़ा सा ब्राउन हो गया है, और जब तक ये ठंडा होता है हम लोग हमारा जो राई तिल और मेथी का है उसका पाउडर बना लेंगे। ऐसे ये पाउडर हो जाना चाहिए और आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टोर करने वाले होंगे तो इसी में आप धनिया और जीरे का पाउडर भी मिक्स करके आप स्टोर कर सकते हैं। ये रोस्ट किया हुआ सूखा नारियल को भी मैं साइड में रख दूंगी एक प्लेट में ठंडा होने के लिए, और बाद में उसे क्रश कर दूंगी हाथों से ही। इसी कढ़ाई में मैं ले लूंगी तेल तलने के लिए पटेटोस को। तेल गरम होते ही मैं इसमें डाल दूंगी पटेटोस। जैसे हम लोग फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं घर में, पटेटोस तलते हैं उसी तरह इसे तलना है। और पिकल है तो तेल नमक ये तो ज़्यादा ही रहता है हमेशा। तो इस तरह से ये तल के हो गया है और हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र करके ले लेंगे। ये जो तेल बच गया है, हमें ये तेल अभी इतना नहीं लगने वाला है तो हम इसे भी निकाल के रख देंगे। अभी 1 टेबल स्पून जितना तेल मैंने रखा है, बाकी का तेल निकाल लिया है। अब यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट।
यहाँ पे मैं ऐड कर लूँगी पटेटो। और उसे अच्छे से कोट होने के लिए रख देंगे। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। पटेटो है तो नमक थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, इसे भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसमें ऐड कर देंगे हम लोग हल्दी। और लाल मिर्च पाउडर। जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपको जिस तरह से तीखा चाहिए उस हिसाब से आप लाल मिर्च पाउडर कम या ज़्यादा ले सकते हैं। इसे भी अच्छी तरह से कोट होने तक मिक्स कर देंगे। अब डाल देंगे हम लोग धनिया और जीरे का पाउडर। नींबू का रस मैं भूल गई थी आपको बताना, तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे आधा नींबू का रस। इसे भी अच्छे से कोट कर लेंगे। अब हम ये ऐड करेंगे जो हम लोगों ने मिक्सचर बनाया था, राई तिल और मेथी का, वो हम लोग ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून ऐड किया है, बाकी का जो बच जाएगा आप उसे स्टोर करके रख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी ये सूखा नारियल जो मैंने इसे अच्छे से इसे क्रश करके रखा है, तो इसे मैं ऐड कर दूंगी। यहाँ पे आप गैस बंद कर देना, क्योंकि अभी हम लोगों ने सूखा नारियल डाला है तो वो जल सकता है, इसके लिए हमें यहाँ पे गैस बंद कर देना है। और अब हमें जो लगेगा वो है गार्निशिंग के लिए सूखा बारीक कटा हुआ धनिया। जितना आप लोग धनिया डालना चाहते हो उतना डाल सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है अगर आप ज़्यादा डालते हैं तो। आप इसे स्नैक्स के जैसे भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, ऐसे ही दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, और बस खाते ही रहेंगे। एक बार आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। तो दोस्तों, इस तरह से हमारी ये पटेटो पिकल यानी बटाटा का अचार, ये जो है रेसिपी तैयार हो चुकी है। और आप इसे ज़रूर एक बार बनाइए, दिवाली के टाइम पे आपको अगर समय नहीं मिले तो इसे अगर आप बना के रखेंगे 8-10 दिन के लिए, इसे कुछ भी नहीं होगा। और आप इस रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। दिवाली का टाइम है तो सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली। बहुत सारी मिठाइयाँ खाइए, दोस्तों से मिलिए, फैमिली के साथ एंजॉय करिए, पटाखों से दूर रहिए। अगर आप पटाखे खरीद रहे हैं तो प्लीज़ उसी पैसों में आप किसी की मदद भी कर सकते हैं। तो स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड एंजॉय ईटिंग। थैंक यू।